आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि डॉक्टर्स की डायरेक्टरी लिस्टिंग वेबसाइट कैसे बनाते हैं। ऐसे हम लोग हॉस्पिटल की ही वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि अपने एरिया के जितने भी डॉक्टर्स होंगे उन सबको उस पर लिस्ट करेंगे, यानी डॉक्टर्स की डायरेक्टरी लिस्टिंग हम लोग साइट बनाने वाले हैं। तो दोस्त आप सबसे पहले डेमो देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त आप यहाँ पर देखेंगे कि जो वेबसाइट हम लोग बनाने वाले हैं उसका यहाँ पर डेमो आप देख लीजिए। इसका जो इंटरफेस है, इसका जो होम पेज है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। जैसे कि दोस्त आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि फीचर से यहाँ पे डॉक्टर से यहाँ पे लिस्ट आ जाता है, यानी जो भी आप डॉक्टर्स को लिस्ट करेंगे साइट पे तो उनको आप फीचर भी कर सकते हैं। नीचे में आएंगे तो दोस्त आप देखेंगे कुछ इस तरह का सेक्शन आपको मिल जाएगा, और जो भी आप न्यूज डालेंगे कुछ इस तरह का न्यूज वाला सेक्शन आएगा, और लास्ट में आ जाएगा फुटर सेक्शन जो कि बहुत ही बेहतरीन। इसका फुटर सेक्शन भी है और इसका जो लुक है बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर मान लीजिए कि अगर हमें किसी डॉक्टर्स को व्यू करना है तो अगर हम इस डॉक्टर्स को व्यू करें तो यहाँ पे इन डॉक्टर का पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। अब सबसे पहले कवर इमेज मिल जाता है, उसके बाद इनका फोटो मिलता है, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि इस डॉक्टर का सारा यहाँ पे डिटेल्स मिल जाता है, डॉक्टर का लोकेशन, उनका टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, और जो भी इनका प्राइसिंग है, जो भी ये फी लेते हैं वो फी भी यहाँ पे मेंशन है, और इनके बारे में जो भी डिटेल्स है सारा चीज़ है। और इनसे कोई टच करना चाहते हैं, इनसे कोई संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना इंक्वायरी फॉर्म भी फिल करके संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गूगल मैप आ जाता है। तो दोस्त अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस तरह का डॉक्टर की डायरेक्टली लिस्टिंग वेबसाइट बनाना तो दोस्त आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो मेरा नाम रंजन कुमार है और आप देख रहे हैं उरु ऐप, तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्त अपने को वेबसाइट बनाने के लिए एक डोमेन नेम की जरूरत पड़ती है। डोमेन नेम वो होता है जैसे कि amazon.in, flipkart.com, इस तरह की डोमेन नेम होती है। तो जो भी आपका हॉस्पिटल का एक नेम हो उस नेम से आप एक डोमेन नेम रजिस्टर करेंगे। ऑनलाइन सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसी कंपनी आ जाएगी जहाँ पर आप उसको डोमेन नेम को रजिस्टर कर पाएंगे और वहाँ से एक होस्टिंग बाई कर पाएंगे। तो मेरा अगर रिकमेंडेशन आप चाहेंगे तो मैं दोस्तों एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके अगर आप डोमेन नेम और होस्टिंग बाई करेंगे तो वहाँ से दोस्त आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, जहाँ से कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो दोस्तों उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके आप होस्टिंग और डोमेन नेम बाई कर सकते हैं। अब चलिए अब आगे का प्रोसेस हम लोग जानेंगे। सबसे पहले दोस्त अपने वेबसाइट के होस्टिंग के डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं। तो मेरा जो होस्टिंग है यहाँ पे होस्टिंग करके ऊपर है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो चलिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए दोस्त अपने को नीचे आना है और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अपने वेबसाइट का जो भी टाइटल हो उस टाइटल को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। टाइटल डालने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालना होता है, उसके बाद हम लोग यूजर नेम डालेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। तो जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसी पासवर्ड से अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पासवर्ड डाल देते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्त अपना जो वर्डप्रेस है इंस्टॉल हो चुका है। अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पे एडमिन पैनल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से ये होगा कि हम लोगों का जो वेबसाइट है उसका जो एडमिन पैनल है वो ऑटो रीडायरेक्ट होकर यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोस्त कि अगर आपका वेबसाइट ऑटो रीडायरेक्ट होकर लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो दोस्त आप क्या करेंगे कि आपका जो डोमेन नेम होगा डोमेन नेम के बाद कुछ इस तरह से आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरह से लॉगिन कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि आपका जो डोमेन नेम है डोमेन नेम के बाद यहाँ पे मैं प्राइवेट ऐप पे ओपन करता हूँ। तो डोमेन नेम के बाद दोस्त आप सेलेक्ट कीजिएगा wp-, यहाँ पे एडमिन कीजिएगा तो कुछ इस तरह के यहाँ पे सेक्शन हो जाएगा, आ जाएगा लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे जो आप यूजर आईडी बनाए होंगे उस यूजर आईडी को आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद दोस्त आप जो पासवर्ड बनाए होंगे उस पासवर्ड को आप यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। कुछ इस तरह से आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्त आप इस तरह से लॉगिन कर पाएंगे। अब चलिए दोस्त अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आते हैं और यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो अब अपने को सबसे पहले दोस्त क्या करना होता है कि यहाँ पे सेटिंग्स पे आना होता है। सेटिंग्स पे आने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्त आपका यहाँ पे जो भी साइट का टाइटल हो फिर से आप यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे जो भी आपके साइट का टैगलाइन हो उस टैगलाइन को यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टाइम जोन का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो भी टाइम जोन हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा यहाँ पर +5:30 है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। इतना करने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे परमालिंक्स पे क्लिक करना है। परमालिंक्स पे क्लिक करने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे पोस्ट नेम पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे चलते अपने वेबसाइट का होम पेज को विजिट करते हैं और देखते हैं कि अपने वेबसाइट का जो होम पेज का जो लुक है वो किस तरह से दिख रहा है। तभी दोस्त आप देखेंगे कि अपनी वेबसाइट का जो होम पेज का जो लुक है कुछ इस तरह से दिख रहा है। लेकिन हमने जो दोस्त आपको बताया था जो अपने को जो मैंने यहाँ पे डिजाइन बताया था वो वाला जो डिजाइन है आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला डिजाइन है। तो इस तरह का डिजाइन बनाने के लिए दोस्त अपने को एक थीम की जरूरत पड़ती है, तो उस थीम को अपने को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अपने वेबसाइट का डैशबोर्ड पे आते हैं और आपको बताएंगे कि कौन सा थीम अपने को इंस्टॉल करना होता है।
तो यहाँ पे अपने को अपीयरेंस पे आना होता है और यहाँ पे थीम्स पे क्लिक कर देना होता है। थीम्स पे अब दोस्त जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तीन थीम जो है इंस्टॉल है उसमें से एक थीम एक्टिव है। तो यहाँ पे दोस्त हम लोग इस तीनों थीम में से कोई भी थीम यूज नहीं करने वाले हैं, हम लोग एडिशनल थीम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला है। तो उसके लिए दोस्त वहाँ पे एड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड थीम पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्त अपने को चलना है, अपने को मैं बता देता हूँ कि वो कौन सा थीम है जिसको हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इस थीम का नाम है न्यूज़पेपर। आप यहां से थीम फॉरेस्ट से आप बाय कर सकते हैं। इस थीम का प्राइस जो है $59 है। तो दोस्त आप यहां से इस थीम को बाय कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए दोस्त आपके पास $59 नहीं है तो दोस्त आप क्या कीजिएगा कि themeraja.com की वेबसाइट पर आ जाइएगा। यहां पे आपको आ जाना है themeraja.com। इस वेबसाइट पर आने के बाद दोस्त आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे न्यूज़पेपर सर्च कर लीजिएगा, न्यूज़पेपर 12 सर्च कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये न्यूज़पेपर 12 ही है दोस्त। आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर 12 है तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है न्यूज़पेपर 12। तो दोस्त आप जैसे ही न्यूज़पेपर 12 सर्च करेंगे तो यहाँ पे न्यूज़पेपर न्यूज हुकमर्स वर्डप्रेस थीम 12.6.3 आएगा। आगे चल के जो वर्जन कोड है अपडेट होता रहता है। तो दोस्त हो सकता है यहाँ पे 13 भी हो आगे चल के या 12 पॉइंट कुछ समथिंग कुछ और भी हो सकता है। तो दोस्त आपको इसी थीम को यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको जो थीम है बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाता है। यहाँ पे मात्र आपको ₹149 में थीम मिल जाता है। आपको क्या करना है कि यहाँ से इस थीम को बाय कर लेना है। बाय करने के बाद दोस्त आपको यहाँ से एक फोल्डर मिल जाएगा, उस फोल्डर को डाउनलोड कर लेना है। अब चलिए आप अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आते हैं और यहाँ से अब यहाँ से जो आप बाय करेंगे GPL लाइसेंस के अंदर मिलता है और यहाँ से जो आप बाय करते हैं तो यहाँ पे ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ मिलता है। लेकिन जो दोनों थीम है दोनों सेम ही काम करेगा। अब चलिए यहाँ पे अगर आप themeraja.com से थीम को बाय कर लिए हैं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना है, अपने वेबसाइट का डैशबोर्ड पे आ जाना है और वहाँ से जो आप फोल्डर को डाउनलोड करेंगे अब यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग चूज फाइल पे क्लिक करते हैं तो दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे न्यूज़पेपर का जो फोल्डर है यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्त आप जब डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको फोल्डर मिल जाएगा। तो अब इस फोल्डर को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब इंस्टॉल नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थीम जो है इंस्टॉल हो जाएगा। अपने को यहाँ पे थीम को एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पे हम इस थीम को एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्त आप जैसे ही थीम को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे दोस्त सबसे पहले दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे परचेज लाइसेंस नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप themeraja.com से बाय करेंगे तो यहाँ पे कोई थीम लाइसेंस की आपको डालने की जरूरत नहीं होता है। यहाँ पे जो थीम होता है एक्टिवेटेड होता है। अगर आप थीम फॉरेस्ट से बाय करेंगे तो वहाँ पे आपको लाइसेंस की मिलेगा, उस लाइसेंस की को यहाँ पे डालना होता है। अब दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो प्लगइन रिक्वायर्ड है, दो प्लगइन रिक्वायर्ड है, इन दोनों प्लगइन को अपने को इंस्टॉल करना और एक्टिवेट कर देना है। यहाँ पे इंस्टॉल और एक्टिवेट पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्लगइन है ऑटोमेटिक यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्त आप देख पा रहे हैं जो प्लगइन है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब अपने को क्या करना है कि अगर आप यहाँ पे चाहें तो प्रीबिल्ड वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे जितने भी टेम्पलेट्स होंगे यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब दोस्त आप देखेंगे बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गया है। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग मल्टीपर्पज़ पे क्लिक कर देंगे या तो यहाँ पे डायरेक्टरी एंड लिस्टिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही डायरेक्टरी एंड लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो थीम है यहाँ पे जो टेम्पलेट है ये वाला टेम्पलेट है। तो आप अपने को यहाँ से प्रीव्यू करके आप चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपको टेम्पलेट इंस्टॉल करना हो उस टेम्पलेट को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप अपने को यहाँ पे क्या करना है कि इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यस करना है। अब यहाँ पे यस कर देंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। कुछ देर में यहाँ पे जो टेम्पलेट है जो उसका डेमो है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो दोस्त मैं आपको बता दूँ एक चीज़, अगर आप चाहते हैं अगर इस तरह की वेबसाइट हमसे बनवाना है तो दोस्त आपको क्या करना है कि themeraja की ही वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे जिस तरह की भी वेबसाइट बनवाना हो दोस्त आप हमसे इस तरह की वेबसाइट बनवा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही कम चार्ज हम लेते हैं, बहुत ही कम पैसे में आपके लिए कुछ इस तरह का वेबसाइट हम लोग बना देते हैं, जैसे दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे। अब चलिए आप अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अपना जो टेम्पलेट है कितना इंस्टॉल हुआ है, डेमो जो इंस्टॉल अभी हो रहा है तो दोस्तों होने दीजिए इसको। अब दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पे जो डेमो है यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अब अपने को क्या करना है कि अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और होम पेज पे चलते हैं और इस होम पेज को हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं कि इसका लुक जो है किस तरह से हो चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि रिफ्रेश कर दिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का जो वेबसाइट का जो लुक है यहाँ पे जो हमने जो डेमो दिखाया था कुछ इस तरह का डेमो जो मैंने दिखाया था कुछ इस तरह का वेबसाइट यहाँ पे मिनटों में बन चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो भी फीचर्स डॉक्टर था यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब भी डॉक्टर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे दोस्त आप देख लीजिए हर चीज यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे किसी ब्लॉग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉग वाला सेक्शन भी यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे इसका जो ब्लॉग वाला सेक्शन है कुछ इस तरह से शो हो रहा है।
तो यहाँ पे मान लीजिए किसी अगर आप डॉक्टर को ऐड करना चाहेंगे, या सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप होम पेज को जो इसका जो वेबसाइट का होम पेज है इसको अगर कस्टमाइज करना चाहेंगे तो दोस्त आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे एडिट विथ टेक्डिव कंपोजर पे क्लिक कर देना होता है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्त आप हर चीज़ को एडिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्त मान लीजिए कि आपका जो लोगो है उस लोगो को चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्त आप नीचे में आएंगे तो आपको यहाँ पे इमेज अपलोड करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। जो भी आपका लोगो होगा उस लोगो को आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज कर पाएंगे। जैसे कि ये लोगो है, इस लोगो पे जो डॉक्टर्स लिखा है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे उरू ऐप लिख दूँ, तो यहाँ पे अगर मैं उरू ऐप लिखता हूँ तो यहाँ पे दोस्त जो डॉक्टर्स की जगह पे उरू ऐप आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि फाइंड योर हेल्थ है, तो यहाँ पे अगर आप कुछ और चीज़ टेक्स्ट डालना चाहें तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो साइड में जो है ये आइकन है, तो यहाँ पे आइकन चेंज करने के लिए दोस्त आपको यहाँ पे एक आइकन का है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको आइकन भी दिख जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को साइड में ही दिखेगा आइकन। अब यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे आइकन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपना लोगो को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो इमेज जो आ रहे हैं तो यहाँ पे अपना लोगो को अपलोड कर सकते हैं, रेटिना इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए दोस्त यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्त आपका जो भी लोगो हो आपके कंप्यूटर के अंदर हो आप वहाँ से ले सकते हैं। अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आपका जो भी लोगो हो आप उस लोगो के यहाँ पे ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा लोगो अगर ये है तो मैं इस लोगो के यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट लोगो को कर देना है। तो कुछ इस तरह से अपना लोगो भी यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, यहाँ पे रेटिना लोगो भी कुछ इसी तरह से यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। तो दोस्त यहाँ पे जो भी आपको चीज़ें ऐड करना हो, एडिट करना हो, उसको आप ऐड और एडिट बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो SVG का एक फॉर्मेट आ रहा है तो यहाँ से भी आपको इसके अंदर भी लोगों का आपका जो यहाँ पे लिंक होगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप डाल के चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि दोस्त यहाँ पे जो आपका मेन्यू बार है तो इस मेन्यू बार को भी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मेन्यू जो है यहाँ पे सेलेक्ट मेन्यू का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे जो भी आपका मेन्यू है उस मेन्यू के अंदर जो भी चीज़ें ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे TD डेमो हेडर मेन्यू है, तो ये इसके अंदर कुछ और चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्त आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे अपीयरेंस पे आना है। अपीयरेंस पे आने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे मेन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आपका जो भी आपका मेन्यू है तो यहाँ पे TD डेमो हेडर वाला मेन्यू है, तो इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे जो भी मेन्यू वहाँ पे ऐड है यहाँ पे मेन्यू सारा शो हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर हम एक डेमो के तौर पे यहाँ पे होम है, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं और होम को ही यहाँ पे ऐड करके देखते हैं, और जो अपने होम पेज वाला जो लिंक है उस लिंक को यहाँ पे हम डाल देते हैं और यहाँ पे ऐड मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्त जो है होम यहाँ पे आ चुका है। अब इस होम को आप जहाँ पे भी रखना चाहें आप उस होम को रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं शुरू में रख देता हूँ और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं तो अपना होम यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इस तरह से मेन्यू को ऐड कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि आपका अकाउंट्स वाला जो है हर एक चीज़ को यहाँ पे ऐड लिस्टिंग है, यहाँ पे सर्च का आइकन है, यानी जो भी चीज़ आपको एडिट करना हो आप हर एक चीज़ को एडिट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपको ये वाला सेक्शन ऐड करना है, एडिट करना है, यहाँ पे फाइंड द नियरेस्ट स्पेशलिस्ट जो है, अगर इसके अंदर कोई चेंजेस करना हो तो दोस्त आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है आपको इसको एडिट करना है, और अगर टॉप वाला हेडर को चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह से हेडर को चेंज कर पाएंगे। इमेज को अगर चेंज करना है तो यहाँ पे इमेज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो इमेज है इसको रिमूव करके अपना कोई और इमेज यहाँ पे लगा लीजिए। मान लीजिए कि अगर हमें इस इमेज को यहाँ पे लगा लेते हैं तो यहाँ पे जो इमेज है यहाँ पे रिप्लेस इमेज हो जाएगा कुछ इस तरह से, लेकिन ये जो इमेज का साइज है प्रॉपर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे फिर से वही जो पहले वाला इमेज था उसी इमेज को ले लेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए साइज इस इमेज का मिलेगा, इसी साइज में आप यहाँ पे इमेज को दूसरा इमेज भी आप डाल पाएंगे यहाँ पे। चलिए इसी इमेज को हम यहाँ पे फिर से डाल देते हैं और यहाँ पे अभी देखेंगे कि ये जो इमेज का साइज है यहाँ पे घट गया है, तो यहाँ पे अपना इमेज का जो साइज है यहाँ पे ऑटो है तो हम लोग यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ आपको एडिट करना हो हर एक चीज़ को जहाँ पे माउस ले जाएंगे, जहाँ पे भी एडिट करना हो वहाँ पे माउस ले जाएंगे, हर एक चीज़ को आप एडिट कर पाएंगे। जैसे दोस्त आप देख पा रहे हैं हर एक चीज़ को आप यहाँ पे एडिट कर पाएंगे, जहाँ पे भी माउस ले जाएंगे वहाँ पे आप एडिट कर पाएंगे। जैसे कि जहाँ पे आप क्लिक कर देंगे वहाँ पे एडिट वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आप एडिट कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप एडिट कर पाएंगे। और इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा तो दोस्त आप लोग देख नहीं पाते हैं, इसलिए दोस्त हम आजकल बहुत ही शॉर्ट में वीडियो बना रहे हैं। नहीं तो पहले दोस्त हम एक एक घंटे के वीडियो बनाते थे लेकिन आप लोग देखते ही नहीं थे, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा
कोशिश करते हैं कि शॉर्ट वीडियो हो और शॉर्ट वीडियो में जितना चीज़ हो सके हम आपको बता दें। अब मान लीजिए कि अपना जो होम पेज का जो यहाँ पे इंटरफेस है कुछ इस तरह से आ चुका है और यहाँ पे कोई डॉक्टर को ऐड करना है, तो डॉक्टर को ऐड करने के लिए दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है, अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में आना है। यहाँ पे एक डॉक्टर्स वाला सेक्शन मिलेगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑल डॉक्टर्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स को आप ऐड करेंगे यहाँ पे आपका डॉक्टर्स दिख जाएंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम किसी और नया डॉक्टर को ऐड करना चाहें तो आप उसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी को क्विक एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं। तो हमारे नया डॉक्टर को ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले टाइटल देना होता है। चलिए हम यहाँ पे कोई एक डॉक्टर को ओपन कर लेते हैं, मेरे पास कोई डॉक्टर की डायरेक्टरी नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसी वेबसाइट से एक डॉक्टर्स का यहाँ पे एक ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे साइड में ला के रख लेते हैं इस डॉक्टर्स को। और यहाँ पे डॉक्टर का जो नेम है इस डॉक्टर का हम नेम को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इमेज इसी डॉक्टर का इमेज उठा लेंगे। तो यहाँ पे आप इनका नाम डाल दीजिए और नीचे में आ जाइए, सबसे नीचे में यहाँ पे आए और यहाँ पे जो डॉक्टर का टाइटल है यहाँ पे टाइटल डाल दीजिए। यहाँ पे ईमेल आईडी जो है आप यहाँ इनका जो ईमेल आईडी है आप यहाँ इनका यहाँ से ईमेल आईडी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। जो भी आपके डॉक्टर्स का ईमेल आईडी हो वही आप डालिए यहाँ पे, मैं तो सिर्फ डेमो पर्पस यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे इस नंबर को मैं डाल देता हूँ जो भी है, और डिस्क्रिप्शन जो भी है आप यहाँ पे अगर डॉक्टर्स की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो ये अबाउट अस है इनका, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं इनका, तो हर एक चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं और एक एक चीज़ को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर्स की जो भी सर्विस होगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं और उनका स्टार्टिंग प्राइस जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उनका ट्विटर का आईडी, यहाँ पे वर्किंग टाइम डाल सकते हैं, ऑनर फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, हर एक चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्या कीजिए कि उनका इमेज लगाना है तो इमेज लगा दीजिए और यहाँ पे फीचर इमेज को भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे फीचर इमेज सेट कर लीजिए, मान लीजिए कि यही डॉक्टर है और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पब्लिश कर लीजिए, यहाँ पे इस तरह से पब्लिश कर सकते हैं। और दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक चीज़ सीख जाएंगे। और यहाँ पे कस्टम टेम्पलेट्स का यहाँ पे टेम्पलेट्स भी दिया गया है, जिस भी टेम्पलेट्स को आप सिलेक्ट करेंगे उस तरह का आपका पोस्ट यहाँ पे डॉक्टर्स की शो होगा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि मैंने जो अभी डॉक्टर को ऐड किया था तो यहाँ पे डॉक्टर्स का नाम आ रहा है और मैंने बैकग्राउंड वाला इमेज नहीं लगाया था, ये वाला इमेज लगाया था डॉक्टर का, तो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे कॉल आउट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे जो मैंने चीज़ें यहाँ पे डाला था वो चीज़ें यहाँ पे शो हो रहा है, जो चीज़ मैंने नहीं डाला वो चीज़ यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो दोस्त आप जो जो चीज़ें यहाँ पे डालेंगे वो चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्त आप इस तरह से यहाँ पे डॉक्टर्स को भी ऐड कर पाएंगे और जो भी चीज़ें इसके अंदर करना है दोस्त आप कर पाएंगे। तो दोस्त आप इस तरह से डॉक्टर डायरेक्टरी लिस्टिंग वेबसाइट बना सकते हैं। अगर दोस्त आप चाहते हैं कि इस तरह की वेबसाइट हमसे बनवाना, तो दोस्त आपको क्या करना है कि themeraja.com पे आ जाना है और यहाँ पे आके सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जो भी आपको सर्विसेज लेना हो आप हमसे ले सकते हैं। और यहाँ पे कोई आपको थीम और प्लगइन आपको बाय करना है तो दोस्त आप themeraja.com की वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन आपको थीम और प्लगइन मिलता है जो कि 100% वायरस फ्री थीम और प्लगइन आपको मिल जाता है, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है, जो कि आपको GPL लाइसेंस के अंदर मिलता है। तो दोस्त चलिए इस वीडियो के यहीं पे हम समाप्त करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और दोस्त अगर आपने अभी तक गुरुवेब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस गुरुवेब चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्त फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।